नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक रसोई चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको मलाईदार कुल्फी बनाना बताऊंगी जो कि ठेले वाले बेचते हैं और बहुत ही आसान है उसको बनाना घर में। तो मैं आपको वही कुल्फी बनाने बताऊंगी आज। उसके लिए जो मैंने सामान लिया है, उस सामान में देखिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और मैंने इसको मिट्टी के मटके में रखा है। मैं इसको मिट्टी के मटके में गर्म करूंगी। आपको कढ़ाई में गर्म करना है तो आप लोहे की कढ़ाई में या मोटे तले के भगोने में आप गर्म कर लीजिए। आपको 1 लीटर चाहिए तो आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं, 2 लीटर चाहिए, 1.5 लीटर चाहिए, जितना आपको दूध चाहिए उतना ले लीजिए आप। इसको गाढ़ा करके बस 1/3 रखना है। 1 कप से थोड़ा कम मैंने जो है चीनी लिया है और थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता, थोड़ी सी इलायची ली है और थोड़ी सी केसर ली है। तो हम आज ड्राई फ्रूट और पिस्ता और केसर के साथ ये कुल्फी को बनाएंगे। सबसे पहले तो हम दूध को गाढ़ा करेंगे। दूध गैस पे चढ़ा देंगे और तेज आंच पे, मीडियम और धीमी आंच पे, आप जैसे आपको सुविधा हो। अगर मेरा बर्तन चौड़ा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गिरने का संभावना नहीं रहती है, आप अपने बर्तन के हिसाब से देखिएगा। तो चलिए मैं आपको चढ़ा के दिखाती हूँ। दूध गर्म हो गया है, अब हमको इसको ऐसे ही तली में चलाते हुए, अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा करना है, क्योंकि अगर हम नीचे तली में नहीं चलाएंगे तो दूध लगने की संभावना रहती है। मेरे घर गांव में, जब मैं गांव में थी तो इसी तरीके से मिट्टी के हांडी में दूध को चूल्हे की आंच पे धीमे धीमे पकाया जाता था, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता था और उसका कलर भी लाल हो जाता था। वो दूध मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने घर में मिट्टी की हांडी ली और मैं इसको गैस पे चढ़ा के दूध को गाढ़ा करती हूँ। आपको जो बर्तन आपके घर में है, जो पसंद है, आप उसमें दूध को गाढ़ा करिए। अब हम ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको और ये उबलने भी लगा है दूध हमारा, काफ़ी अच्छे से वो हो गया। तो इसी समय मैं केसर डाल दूँगी ताकि इसमें कलर आ जाए और जो है अच्छा फ्लेवर भी आ जाए केसर का। और मैं इलायची, अब इसको ऐसे ही रहने दूंगी मैं, ये उसमें उबलता रहेगा। बाकी आप अपना ड्राई फ्रूट्स कट कर लीजिए, जो है जो भी काजू बादाम वगैरह ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इलायची भी आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो केसर भी काफ़ी है, पर दूध का आइटम है तो इलायची थोड़ी अच्छी लगती है इसलिए हम इलायची डालते हैं, लेकिन आपको ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा दूध उबल उबल के आधा हो गया है। ऐसे ही मैं इसको चलाते चलाते उबाल रही हूँ और जो साइड में आपके जो है मलाई जम जाती है ना, ऐसे मलाई जम जाती है, इसको चम्मच से अंदर कर लीजिएगा। ये मलाई बहुत टेस्टी होती है, इसी मलाई से जो है कुल्फी बहुत अच्छे से जमती है। जितनी भी ये मलाई है सब आप ऐसे इकट्ठा कर करके दूध के अंदर ले आइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी समय मैं इसमें जो है आधा दूध हो गया है, अब इसी समय मैं ये चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा पसंद होती है। वैसे तो जब कुल्फी जमेगी तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, कम जो है मीठा होगा, तो आप उसके हिसाब से चीनी डालिएगा। मैंने आधे कप से थोड़ा ऊपर चीनी, ज़्यादा चीनी लिया है। मैं इसको तब भी थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि हमारे मीठा ज़्यादा खाते नहीं है। देखिए मैंने फिर भी थोड़ा सा, मतलब आधा कप रखी है उसे, और चीनी डालते हुए चलाते रहिएगा। चीनी डालने के बाद आप जब तक चीनी मिल ना जाए, इसमें मिक्स ना हो जाए, तब तक इसको आप चलाते रहिएगा। नहीं तो चीनी के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो दूध को फाड़ने की क्षमता रखते हैं, गुड़ और चीनी दोनों में। जब ये पिघल जाएगा, चीनी इसमें के अंदर जब पूरी तरह से अच्छे से पिघल जाएगी, तब फिर वो दूध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप इसको चलाते रहिएगा और इसी समय मैं ये इलायची भी डाल दूँगी। मैंने पाउडर कर लिया था, मैं इसको डाल दे रही हूँ और इसी के साथ मैं ये ड्राई फ्रूट्स मैंने पूरे छोटे छोटे कट कर लिए हैं कि आप छोटे छोटे कट करिएगा ताकि बच्चों के भी खाने के काम आ सके, अच्छे से वो भी खा पाएँ इसको। इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए, पक जाए अच्छे से, फूल जाए अच्छे से। आप चाहें तो बादाम का भिगो के उसका छिलका उतार के भी काट सकते हैं। किसी किसी को मुँह में छिलका आता है तो पसंद नहीं आता है, तो आपको जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को काटिएगा। ये देखिए हमारा दूध उबल उबल के काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हमको इतना ही चाहिए क्योंकि अभी हम जब ठंडा करेंगे ना तो ये दूध और गाढ़ा होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको गाढ़ा करना है, रबड़ी नहीं बनानी है। मैं आपको इससे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए गिराने पर कितना गाढ़ा हो गया दूध और पीछे ऐसे आ रहा है, ऐसे चिपक रहा है दूध। तो आप समझ लीजिए कि दूध आपका गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ये नहीं बताऊँगी कितना है, क्योंकि अगर मान लो आपका दूध गाढ़ा हो के थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो तो उसे पता नहीं चलता। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि दूध इतना गाढ़ा हो गया है, अभी ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। इसी स्टेज पे आप मीठा चेक कर लीजिए कि आपको इतना ही मीठा चाहिए कि और ज़्यादा चाहिए, तो आप चीनी और मिला सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है।
अब हम इसको बंद कर देंगे तो ठंडा करके जमने के लिए डालेंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको चेक नहीं कर सकते। आप चेक करिए, और अगर शक्कर चाहिए आपको तो और शक्कर डाल सकते हैं उसके अंदर। और जब कुल्फ़ी ठंडी हो जाती है तो शक्कर कम मीठा कम हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से चीनी का इस्तेमाल करिए इसमें। मैंने गैस बंद कर रखा है फिर भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये अपने आप ही और भी और गाढ़ा हो जाएगा और इसमें मलाई नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैं ऐसे ढक दे रही हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस मैं ठंडा होने के बाद बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा जो गाढ़ा दूध था वो एकदम ठंडा हो गया है। ये देखिए इतना गाढ़ा, ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हुआ है। देखिए ये ऐसा इतना ऐसे गाढ़ा हो गया, ऐसे मलाई मलाई सी हो गई ना, इसको अच्छे से फेंट लीजिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसको जमाने के लिए बर्तन लेंगे। अब देखिए, अब मैंने मटकी में दूध गर्म किया, मेरे पास ये मटकी के इस तरह के बाउल हैं, इसमें भी जमा सकते हैं। और ये देखिए कुल्फ़ी के जो है कुप्पियाँ हैं जिसमें कुल्फ़ी जमाई जाती है, इसमें भी हम जमा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ऐसे स्टील की ग्लास लीजिए, इसमें जमा लीजिए, ये भी बहुत इसमें भी अच्छे से जम जाएगी। अगर इस तरह का आपके पास टिफ़िन है ढक्कन वाला, इस तरह का टिफ़िन है अगर आपके पास ढक्कन वाला, तो इसमें भी आप जमा सकते हैं, अच्छे से ढक्कन बंद करके रख सकते हैं छोटे छोटे डिब्बों में। और इस तरह की अगर आपके पास कटोरियाँ हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, तो आप इसमें भी जमा सकते हैं। बहुत अच्छे से जमती है कुल्फ़ी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए मैं इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। एक मैं इस कटोरे में निकालती हूँ पहले। जैसे ये ग्लास है, इस तरह का सिल्वर फॉयल आप ले लीजिए और इसके ऊपर आप ये रबर बैंड लगा दीजिए। ये देखिए इसको कवर करके, इसको कवर करना जरूरी है, अगर हम कवर नहीं करेंगे तो इसमें आइस बन जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें हम ऐसे होल करेंगे, ऐसे चाकू से आप होल कर लीजिए बीच में। और इस तरह की स्टिक आती है, ये किसी भी शॉप में आपको मिल जाती है आइसक्रीम की स्टिक, इस तरह की स्टिक ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए, इसमें अच्छे से डाल दीजिए। ये एक आपका कवर हो गया। अगर आपके पास फॉयल नहीं है, मान लीजिए आपके पास फॉयल नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप इस तरह की पॉलिथीन ले लीजिए, इस तरह की पॉलिथीन लीजिए और इसके ऊपर ऐसे डालिए। क्योंकि हर समय हर चीज़ हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके घर में इजी आसानी से आपको मिल जाए और आप उससे बना सकें। और इतना बड़ा आपके पास अगर रबर बैंड नहीं है तो आप इस तरह से मोटा धागा ले लीजिए, ये देखिए ये धागा है, और इससे इसको बांध दीजिए। कुल मिला के इसका मुँह कवर करना है हमको, इसको खुला नहीं छोड़ना। अगर हमने खुला छोड़ दिया तो आइस जम जाएगी और कुल्फी अच्छे से जमेगी नहीं। हमको हर बर्तन को कवर करना है अच्छे से।
ये देखिए हमारी सारी कुल्फी के बर्तन जो है वो इसमें सारा बैटर डाल के मैंने इसको तैयार कर लिया है जमने के लिए। कि रात को फ्रिज में रख दीजिए, ओवरनाइट उसको भूल जाइए कि उसमें रखा है। सुबह उठ के आप निकालेंगे तब तक वो जम जाएगी और बहुत अच्छे से जमेगी। तो हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने से पहले आप फ्रीजर का टेम्परेचर चेक करिएगा कि वो मैक्सिमम पे रहे, नहीं तो कुल्फी अच्छे से जमेगी नहीं। फिर कल हम जब ये जम जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी सारी कुल्फी अच्छे से जम के तैयार हो गई है। मैं सबको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये मैंने जो है इसको बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बाहर रखा है। आप पानी में डालिए या नलके के नीचे इसको ऐसे करके पानी से वो कर दीजिए, ये आराम से निकल जाती है। और ये देखिए बहुत अच्छे से आप आराम से निकालिएगा, बहुत अच्छी कुल्फी बन के तैयार हुई है। आप देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं ये भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। मेरी वीडियो पसंद आए तो जो है आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज़ें बताती हूँ। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है दूध को काढ़ने में, लेकिन बनती बहुत स्वादिष्ट है। कोई विचार हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप विचार लिखिए। कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दीजिए। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और इसको आप व्रत और उपवास में भी खा सकते हैं। ये दूध और चीनी से ही बनी है तो इसको आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।